हाय, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो मैं कल का ब्लॉग में आप सभी लोगों को बताई थी कि हमारे यहाँ कोई आने वाला है जो मेरा ये अजीज है, मेरी जान का टुकड़ा है। तो इंतज़ार है, चलिए उससे आप लोगों को मिलाते हैं। अभी तो वो आई नहीं है, हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगी कब आएगी। छत पे जा कर के 4-5 बार देख चुके हैं, बट अभी तक नहीं आई है। तो चलिए, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा कब वो आती है। अभी फिर से छत पे जा रहे हैं उसको देखने के लिए कि वो कहाँ पहुँची है, उसके कौन है वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। चलिए, अभी तक नहीं आ रही है। मैं सुबह 9 बजे से उसका वेट कर रही हूँ, अब आएगी, बट अभी तक वो नहीं आई है। पता नहीं कब पहुँचेगी। फाइनली आ गई, अब चलिए मुझे मिल सकते हैं आप सब लोग। अरे फाइनली आ ही गई। ये कौन है? बेटी उसी के घर पर होती है जो अपने नानी के पास में रहती है। मेरा जब से एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम से ये मेरे पास नहीं रह रही थी। बिटिया सबको नहीं देता है, याद रखना, बेटी उसी के घर पर होती है जिसका दिल बड़ा होता है। और सबसे ज्यादा खुश तो काम है इसकी सिस्टर आई है, क्योंकि इन लोग दोनों भाई बहन अब मिलके सारा दिन खेलते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा। कान्हा जी भी बेचारा अकेले बोर हो जाता है, बट क्या करें, मेरे साथ मजबूरी था। मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो फिर मैं काव्या को नानी के पास भेज दी थी, नानी से लेकर के चली गई थी। और काव्या से मिलने के लिए उसके दादाजी लोग सारे लोग आए हुए थे। काव्या सबसे पहले आई, अपने भगवान जी को प्रणाम की, दोनों भाई बहन अब है कि जो काव्या करेगी वो कान्हा जी करेगा, जो कान्हा जी करेगा वो काव्या करेगी। बस दोनों भाई बहन के ये नहीं है कि हाँ भैया ये किया तो अब हम नहीं करेंगे, भैया ये करेगा तो वो हम भी करेंगे। और दोनों भाई बहन ये देखे बाहर में आ गया, तुलसी जी को, समी भगवान के हैं, ये सब सारे को प्रणाम किए। उसके बाद फिर अंदर में आ गई, अब अपने दादाजी को प्रणाम करेगी, उसके बाद फिर अपने पापा को प्रणाम करेगी काव्या। और फिर लास्ट में बच कौन गया तो मैं, और काव्या मेरी बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब काव्या के दादाजी के जाने का टाइम आ गया, वो अपने बच्चे लोग को गुल्लक में डालने के लिए पैसा देने लगे, क्योंकि उसके दादाजी जब भी आते हैं ना कान्हा जी काव्या के दादाजी, तो जब जाने लगेंगे तो उन लोग को पैसा देंगे गुल्लक में डालने के लिए। लोग दोनों भाई बहन प्लान बनाया है कि हम लोग गुल्लक में अपना पैसा डालेंगे और अपना बर्थडे के टाइम न्यू साइकिल लेंगे। तो काव्या कान्हा जी दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपने दादाजी के साथ में, और काव्या मतलब इतना खुश होती है ना अपने दादाजी जी के पास में बैठ करके। इधर कान्हा जी अपना आ गया रूम में गुल्लक में पैसा डालने के लिए, लेकिन पैसा तो है कि सिक्का रहे तो चला जाएगा, नोट जल्दी अंदर जाता नहीं है। लेकिन कान्हा जी अपना लगे हुए हैं कि नहीं बस डाल ही देना है किसी तरह। इधर फिर से काव्या आ गई फिर लोग के साथ खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। काव्या वीडियो कॉलिंग में भी देखती थी हमेशा फिश को, तो बहुत खुश होती थी और हमेशा बोलती थी मम्मा मेरे को नज़दीक से देखना है। और फाइनली काव्या देख ली अपनी फिश को। उसके बाद फिर मैं इधर काव्या का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो डॉक्टर के पास लेकर के चली आई थी दिखवाने के लिए। तो यहाँ फिर डॉक्टर के पास आए तो फिर डॉक्टर अपना वजन किया। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आओ तो वो तो आप लोग को पता है ना, डॉक्टर लोग फिर ज़्यादा ही कुछ बोल देते हैं। तो फिर डॉक्टर क्या लिख दिया, सीटी स्कैन करवाने के लिए, क्योंकि काव्या का थोड़ा हल्का चोट भी लग गया था सर में। तो फिर मैं यहाँ चली आई डॉक्टर रुद्रा मेजिन में काव्या को सीटी स्कैन करवाने के लिए। और यहाँ भी दोनों भाई बहन अपना खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपना कैप निकाल करके, और ये देखिए क्या कर रहे हैं जो काव्या करेगी वो कान्हा जी। और उसके बाद फिर अंदर में हो गया, काव्या चली आई। यहाँ रिपोर्ट भैया बोले कि रिपोर्ट में अभी टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, तो फिर मैं
चली आई काव्या को लेकर के पार्क में, गांधी उद्यान में घुमाने के लिए। और यहाँ काव्या के पापा टिकट ले रहे हैं और फिर दोनों भाई बहन अंदर चले गए। और दोनों ये देखिए कितना खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं अंदर जाकर, क्योंकि अंदर से आने के बाद खुशी तो पता है ना, बच्चे लोग को यहाँ सारा खेलने का व्यवस्था है, सब कुछ है। और बच्चे लोग को चाहिए क्या, बच्चे लोग को तो बस चाहिए खेलने का सामान, कुछ मतलब है दुनियादारी से कोई नहीं मतलब है बच्चे लोग को, बच्चे लोग को बस खाना है खेलना है, और यही होना भी चाहिए। बड़े होने के बाद तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाता है, बचपन में लगता है कब बड़े हो जाए, बड़े होने के बाद तो समझ आता है कि नहीं नहीं वो बचपन ही ठीक था। खाना जी और कर दिया तो हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी आ जाइए है थोड़े से ये पल, हंसले गाले। अब कहाँ जाना है, और इवनिंग टाइम में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, पार्क में बैठे हुए रहते हैं। तो ये देखिए सारे लोग आए हुए हैं, सारे लोग बैठ करके अपना बात कर रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स लोग अपना बच्चों को लेकर के भी आए हैं यहाँ। सारे पेरेंट्स लोग शाम होता है तो अपने बच्चों को लेकर के चले आते हैं, और मैं भी आ गई कान्हा काव्या को लेकर के। और अब कान्हा जी यहाँ पे दौड़ते दौड़ते चला आया, कार ड्राइविंग कर रहे थे बच्चे लोग वहाँ पे। कान्हा जी बोला कि मुझे भी कार ड्राइविंग करना है, तो फिर मैं भैया से बात की, भैया बोले कि अभी सीट नहीं खाली है। तो फिर कान्हा जी इतना टाइम तो वेट करेगा नहीं, 5 मिनट तक देखा, इंतज़ार किया, और उसके बाद फिर वो अपना दोनों भाई बहन चला गया दूसरे जगह पर खेलने के लिए, फिर इधर आ गया, इस तरफ आ गया दोनों भाई बहन। यहाँ पर झूला था बच्चे लोग का खेलने वाला बहुत सारा था, तो यहाँ पर फिर दोनों भाई बहन आ गया, फिर मेरी बेटी खा पिया बहुत ज़्यादा खुश है। और कान्हा जी एक जगह शांति से रहता नहीं है, और गांधी उद्यान ऐसा है कुछ, ये भी आप सभी लोग देख लीजिए। क्या भी आया देखो बेटा, बेटू निकल गई अपने घर के लिए। ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताइएगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे के लिए अब कुछ खाने का व्यवस्था करने, तो मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।